तो चुनाव यदि आप जीत जाते हैं तो क्या आपका विजन क्या होगा? आप विधायक बनेंगे तो आप विधायक की बात करिएगा, ये मत कहिएगा कि हमारा जो है शासन आएगा भाजपा में तब। तो आप इस क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? आपके लखनपुर में जहां आपका निवास है, कॉलेज जो है लखनपुर कॉलेज, उसको बिल्डिंग अभी तक नहीं मिली, क्या पता है आपको? तो रेलवे में क्या प्रयास रहेगा आपका? तो आलम पनाह से आप चुनाव जीतेंगे, आखिर उनको छोड़ के आपको वोट क्यों दें भाई? सीधे बताइए, अल्पसंख्यक क्यों भरोसा करें आपके ऊपर? आप भाजपा से हैं। मंजिल मिले ना मिले, मंजिल की जुस्तजू में मेरा ये कारवा तो है। मंजिले राहे हकीकत बताने के लिए, छोड़ जा नक्शे कदम औरों के आने के लिए। जी हाँ, तो चुनाव का जो मंजिल है वो 3 दिसंबर को मिलेगा, परंतु उससे पहले जो घमासान चला है, इस घमासान के बीच में हम आए हैं भाजपा के उम्मीदवार राजेश अग्रवाल के पास, और देखते हैं कि क्या वे हमारे कड़े प्रश्नों का सामना कर पाते हैं या नहीं। राजेश अग्रवाल जी नमस्कार। नमस्कार जी भाई। सबसे पहले तो आपको टिकट पाने के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। क्योंकि बड़ी मुश्किल से भाजपा ने टिकट दिया, तो आप सबसे पहले ये बताएं, अपना संक्षिप्त परिचय बताएं कि आप राजनीति में कैसे आए और उसका क्या कुछ पद में रहे इससे पहले आप। वैसे तो परिवार में पूर्व से ही राजनीति में है, और मैं स्वयं 2014 में नगर पंचायत लखनपुर का अध्यक्ष रहा, 5 साल नगर पंचायत का अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तो जब ये जो पद था आपका अध्यक्ष पद में, तो कुछ काम ऐसा किए हैं? बहुत बड़ा चीज तो नहीं है, फिर भी आप उससे बताएं मुझे कि आपको बता सकें लोगों को कि कुछ काम किए हों ऐसा कुछ उपलब्धि। सड़कों की स्थिति बहुत खराब थी, उनको हमने सुधार किया, और उसी समय सेंट्रल की बहुत अच्छी एक योजना आई हर घर शौचालय का, उसका निर्माण मैं खुद स्वयं हर घर जा जा के लोगों को समझा के करवाया, और उसका नतीजा है कि लखनपुर में गंदगी एकदम जीरो हो गई। शुरू दिन से उसका उपयोग होना शुरू हुआ, और आप कभी लखनपुर जाएं तो इंटर करते ही आपको एक बहुत बड़ा बगीचा मिलेगा, उद्यान, वो 2 तालाबों के बीच में बनवाया, वो एक बहुत सुंदर लखनपुर के लिए उपलब्धि है। ठीक है, चलिए, आप कोई बहुत बड़े पद पे विधायक नहीं रहे या कोई ऐसा बहुत बड़ा पद नहीं मिला, तो आपसे तो बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन फिर भी आपको बताना तो पड़ेगा, जब आप वोट मांग रहे हैं इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी से, तो कि सवाल ये उठता है कि एक जो प्रश्न डोमेन से आता है मेरे फेसबुक में और उसमें सोशल मीडिया में, लखनपुर के आप हैं, अंबिकापुर की जनता जानते हैं कि शहर जो जितना बड़ा होता है क्षेत्रता भी होती है, लखनपुर के आदमी को क्या लखनपुर जाना पड़ेगा आप विधायक बने तो? नहीं 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 अखिल भाई, मेरा अंबिकापुर में भी निवास है। अच्छा। और ये मान के चलिए कि जन्मभूमि लखनपुर है, कर्म भूमि मेरी अंबिकापुर। अच्छा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमको वहां जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, प्रतिदिन जी, बिना चुनाव के भी प्रतिदिन, मतलब अंबिकापुर में ही रहता हूँ मैं, दोपहर से शाम तक अंबिकापुर में रहता ही हूँ, मेरा खुद का निवास है यहाँ, और इसलिए कभी भी अंबिकापुर की जनता को लखनपुर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा असहज करने वाला प्रश्न है मेरा, क्योंकि इस प्रश्न के बिना अधूरा रहेगा। ये जो चुनावी हथकंडे कहें आप, या जो तरह तरह के व्हाट्सएप में वायरल मैसेज आ रहे हैं, कभी किसी समाज को लेके, कभी कुछ भी लेकर के आपके विरुद्ध में, अब ये सही है गलत है तो जांच का विषय है, या आप ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपका यहाँ पैरवी करने नहीं आया हूँ। ध्यान रखें कि चूंकि अभी आप विपक्ष में हैं, जिस दिन आप विधायक बन जाएंगे उसके बाद आपसे और भी ज्यादा कड़ा प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप मुझे बताइए जो वायरल हो रहा है तरह तरह का व्हाट्सएप में आपके बारे में, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, ये 100% विरोधियों का दुष्प्रचार है, आप मेरे बारे में पता लगा लीजिएगा। मैं हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उस पर बचपन से ही चलता हूँ, और हर समाज को अपने परिवार की तरह मानता हूँ, और कभी भी हमारे तरफ से ये दुष्प्रचार नहीं किया जा रहा है। और जो एक विशेष आया है उसका FIR किए हैं, उसमें नाम भी क्लियर हो गया है, कांग्रेस के ही किसी बंधु के द्वारा किया गया है, जो कि 2-4 दिन में नाम भी। अच्छा, FIR हो चुका है? हाँ, चलिए, वो क्लियर हो गया। अब एक बात सीधे सीधे बताया कि आपको टिकट मिलने से भाजपा में नाराजगी है क्या? नहीं नहीं नहीं, सभी मेरे से वरिष्ठ थे, जितने भी दावेदार थे, और सबके आशीर्वाद से ही मुझे टिकट मिला, और सभी
अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। क्योंकि मैं अक्सर आरोप लगाता हूँ कि ये कहीं ना कहीं शॉर्टकट कर लिए, बहुत बड़ा आपके सामने जो कैंडिडेट हैं, आलमपना है, हजूर है, तो वो लोग कहीं ना कहीं सरेंडर है, मैं ऐसा आरोप लगाता हूँ। ऐसा कुछ है नहीं, 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 सभी सब आ रहे हैं, आपका सहयोग कर रहे हैं, आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल। तो आपको लगता है चुनाव जीतेंगे? 100%। तो चुनाव यदि आप जीत जाते हैं तो क्या आपका विजन क्या होगा? क्योंकि आपसे तो भाई आप विधायक रहते तो आपसे कुछ पूछते पहले का, क्या करेंगे आप? देखिए अखिल भाई, सबसे बड़ी जो मेरे को समस्या दिखती है कि वर्तमान जो प्रत्याशी है कांग्रेस के, 15 साल से वो विधायक हैं, हमेशा क्षेत्र की जनता से दूरी बना के रखते हैं, अभी 5 साल से मंत्री हैं, कभी भी समस्याओं का निराकरण करने का उपाय उन्होंने नहीं किया, टाल मटोल की स्थिति रहती है। यहां तक भी सुनने में आता है कि भाई मेरी चल नहीं रही है, जब आपकी पार्टी में ही आपकी नहीं चल रही तो पब्लिक में क्या चलेगी? ठीक है, वो तो उनका हो गया, वो तो ठीक है, वो तैयार यदि होंगे तो मैं उनसे साक्षात्कार लूंगा, तो उनसे पूछूंगा। आप विधायक बनेंगे तो आप विधायक की बात करिएगा, ये मत कहिएगा कि हमारा जो है शासन आएगा भाजपा में तब, तो आप इस क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, ये मैं पूछना, वही मैं बोलने वाला था जी, कि सबसे बड़ी बात तो मेरी ये रहेगी कि मैं हमेशा क्षेत्र की जनता के बीच में रहूंगा, उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूंगा। और क्षेत्र, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, मेरे को बहुत सी चीजों का पता है कि क्षेत्र की जनता की वास्तव में समस्या क्या है। आज भी हमारे अंबिकापुर विधानसभा की बात कहूं तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो आवागमन से दूर हैं। ये गोरिया डोल का मामला मैं फिर से लाऊंगा, क्योंकि ऐसा मामला दर्शकों को मैं बता दूं क्यों लाता हूं मैं, क्योंकि दिल व्यथित होता है, मन मस्तिष्क बिल्कुल व्यथित हो जाता है कि लाश को डोह के आज भी जाते हैं लोग, चाहे वो लुंड्रा का हो या अंबिकापुर का। अंबिकापुर का होना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के गोरिया डोल और पूटा में ढोड़ी का पानी पीने में मजबूर है वो लोग, और लाश को कंधे पर ले जा रहे हैं, इस पे क्या करेंगे आप? बिल्कुल, इसके लिए बहुत अच्छी मैंने सोच बना रखी है जी, और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से जब हमको अवसर मिलेगा ये सारी समस्याएं बिल्कुल कहीं से भी नहीं आएंगी, ये मैं आपको पक्का विश्वास दिला रहा हूं। और जो विकास की आप बात कर रहे थे वो मेरी पूरी नहीं हो पाई थी, जितने भी सरगुजा में विकास के कार्य हो रहे हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज बना चाहे यूनिवर्सिटी, सब डॉक्टर रमन सिंह भाजपा की देन थी, लेकिन इनको इस 5 वर्षों में कंप्लीट करना था, ना हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी, ना यूनिवर्सिटी बनी, ना हमारे लखनपुर के कॉलेज को जो भी, वो भी भाजपा की देन है, उसको भी बिल्डिंग आज तक नहीं बनी। इनके 5 वर्षों के कार्यकाल में सरगुजा को बहुत बड़ी बड़ी सौगातें मिलनी थी, नहीं मिली है। इन सबको पूरा करवाने का प्रयास करूंगा। उसके अलावा चूंकि केंद्र में भी हमारी सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भी सोच यही है कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों का विकास हो। रेल लाइन की सुविधाएं यहां कम है, हालांकि बरवाडी लाइन का भी सेंक्शन हो गया, हमको रेणुकोट लाइन को भी अति शीघ्र चालू करवाना है, एयरपोर्ट इनके टाल मटोल से चालू नहीं हो पाया है, अति शीघ्र उसको हमको चालू करवाना है। और सबसे बड़ी बात, ये एम्स को बिलासपुर ले जाने की बात कर रहे थे, आने वाला था, हाँ, इस पे मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि हमारी सेंट्रल की सरकार के सहयोग से चिकित्सा के क्षेत्र में हम ऐसा काम करना चाह रहे हैं कि किसी भी कंडीशन में हमारे यहां से रायपुर रेफर ना करना पड़े मरीजों का, ऐसा उपाय करना चाह रहा हूं। अच्छा, आपके लखनपुर में जहां आपका निवास है, कॉलेज जो है लखनपुर कॉलेज, उसको बिल्डिंग अभी तक नहीं मिली, क्या पता है आपको? मालूम है। तो उसके लिए क्या आप आश्वासन देंगे? बिल्कुल, उसका हमने जगह भी अपने मन में चिन्हांकित करके रखा है, जैसे ही कोई दायित्व मेरे को अगर मिलेगा तत्काल उस पर कार्रवाई करवाऊंगा और तत्काल बिल्डिंग का काम चालू करवाऊंगा। और रेलवे से जोड़ने का श्रेय भी भाजपा को ही जाता है, जो अंबिकापुर को, लेकिन कोई खास बड़ी जगह से नहीं जुड़ा है, एक बहुत बड़ा आंदोलन भी अभी हुआ था, तो रेलवे में क्या प्रयास रहेगा आपका? सबसे पहला तो जो अंबिकापुर दूर ट्रेन है इसको नागपुर तक चलवाएंगे ताकि कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और एक ट्रेन मेरी जो इच्छा है कि हम उत्तर प्रदेश को जोड़ेंगे ताकि इधर की कनेक्टिविटी ज्यादातर लोगों को जो
रहता है। एक ट्रेन हम इधर चलवाने की कोशिश करेंगे, प्लस जो दिल्ली ट्रेन, देखिए भारतीय जनता पार्टी लरन साय जी थे तो लरन साय बोगी चालू हुई थी, और वर्तमान में हमारी केंद्र में जो राज्य मंत्री है रेणुका सिंह, इन्होंने दिल्ली की ट्रेन चलवाई है, उसको भी अभी एक दिन है, उसको हम सप्ताह में 2 दिन फिर 3 दिन और उसको रेगुलर करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, चुनाव में आपको बहुत ज्यादा आगे जाना पड़ेगा, बस एक दो अंतिम सवाल का आप जवाब दे दें। इतने बड़े आदमी से, इतने बड़े राजा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर लोग सोचते हैं भाई इतना बड़ा कद का, हाइट से भी, पैसे से भी और नाम से भी, तो आलम पनाह से आप चुनाव जीतेंगे, आखिर उनको छोड़ के आपको वोट क्यों दें भाई, सीधे बताइए। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर अखिल भाई जी, न जनता को उनसे छाया मिल रही है न फल मिल रहा है, उनको क्यों जिताएंगे। मैं आप 24 घंटे पब्लिक के बीच में रहता हूँ, हमारे घर के बाहर हम लोग कुर्सी डाल के बैठे रहते हैं, कोई भी आता उसका काम करते हैं, हमेशा क्षेत्र की जनता के बीच में रहता हूँ, तो जनता मुझे क्यों नहीं चुनेगी। खैर ठीक है, एक बात तो मैं भी मानूंगा, देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको खिंचाई करने का प्लान हम बना लिए। एक मैं फोन किया, मुझे बोले अखिल भाई आ जाइए जब चाहिए, आप इंटरव्यू ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं एक बात इसी से पता चलता है, लेकिन मैं आपके हजूर से ऐसा नहीं कर सकता, ये बात तो मानना पड़ेगा कि हम 90% हो सकता है कड़े प्रश्न पूछें, 10% जो बात है वो तो मानेंगे ही। एक और असहज करने वाला प्रश्न मैं सीधे सीधे दो टुक पूछूंगा, क्योंकि मजबूरी में हमें पत्रकारिता करनी पड़ रही है कि मीडिया कहीं ना कहीं सेट हो गई है, भाजपा पे संप्रदायीकरण का आरोप लगता है, हालांकि अभी यह स्थिति ऐसी है कि शकील अहमद इनके जो राष्ट्रीय नेता आए थे वो खुद ही संप्रदायीकरण करते हुए दिख रहे हैं, कल ही मैंने जाकर के जगह जगह से उनका एक वीडियो लिया है, तो अल्पसंख्यक क्यों भरोसा करे आपके ऊपर, आप भाजपा से हैं क्यों वोट देगा अल्पसंख्यक। देखिए अखिल भाई, अल्पसंख्यक को कांग्रेस ने या विपक्षी पार्टियों ने, भाजपा की विपक्षी पार्टी, पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, इन्होंने एक वातावरण बना रखा है कि अल्पसंख्यक भाजपा से न जुड़े, इसलिए एक भय का वातावरण बना रखा है। आप 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार देख रहे हैं, आप देख लीजिए कहीं भी दंगे फसाद नहीं हो रहे हैं, और मैं व्यक्तिगत उत्तर प्रदेश और कई जगह मुसलमान भाइयों के बीच गया हूं, वो कहते हैं कि इस शासन में हम भयमुक्त होके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और मैं अपनी बात व्यक्तिगत कर रहा हूं, मैं तो बचपन से हमारे पिताजी के दिए हुए संस्कार सबका साथ सबका विकास वाला आदमी हूं, मेरे साथ मेरा एक स्टाफ है 20 साल से मेरे साथ है, वो भी मुस्लिम समाज का है, मेरे घर में 5 कम से मुस्लिम समाज के स्टाफ हैं, उसके अलावा लखनपुर में हमारे यहाँ मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है, आप उनसे जाके पूछ लीजिए। मेरे को व्यक्तिगत ऐसा महसूस होता है कि वो लोग भी मेरे को अपने गार्जियन के रूप में मानते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये विश्वास, या उनके प्रति मैं कुछ ऐसा करता रहता हूँगा ताकि तब ना उनको इतना विश्वास है कि गार्जियन के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो एक अंतिम एकदम लास्ट प्रश्न, इससे पहले मुझसे आप कभी मिले थे? नहीं, नहीं मिले थे, बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजेश अग्रवाल जो हमारे कड़े प्रश्नों का उत्तर दिए। अब मैं आलम पना हजूर, यहां के सल्तनत के मालिक श्री श्री 1008 त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव को बड़े आदर से निमंत्रण देना चाहता हूं, चुनौती देना चाहता हूं कि क्या वे अकील अहमद के सवालों का जवाब देंगे। अक्सर आरोप लगाते हैं कुछ लोग उनके समर्थक कि वो भाजपा को आप फायदा पहुंचा रहे हैं, वो मुझे खरीद लिए हैं। अरे भाई, सबसे ज्यादा पैसा तो हजूर के पास है, वो बादशाह है, इनाम भी दे सकता है, ये कलंदर है, इनकार भी कर सकता है। शुक्रिया।